नमस्कार, सजा है खबरों का दरबार। मैं राजू रिपोर्टर, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ। जी, सबसे पहले हम आपके लिए लेके आए हैं ओबामा की लिमो कार, बाकी सब है आपके लिए बेकार। जी हाँ मेरे हुजूर, करीना कपूर का एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर। अरे साहब, मैं भी हूँ मजबूर, जॉब क्यों है मुझसे दूर, मेरा परिवार है बेरोजगारी से और परेशानियों से मजबूर। नौकरी नौकरी हम नहीं दिलवाते, हम तो चैन से सोने वालों का जगाते हैं। बेरोजगारी और महंगाई का दर्द मेरे हुजूर, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री करेंगे दूर। तो हमारी आवाज उन तक तो पहुंचाइए, हमारी महंगाई की आवाज को प्राइम टाइम में तो लाइए। ऐसा करने से हमारी टीआरपी गिर जाएगी, उसके बाद आपको क्या, हमको भी महंगाई खा जाएगी। माफ करें हमें, हम लाचार हैं, आपसे ज्यादा जरूरी तो हमारी सिर्फ करीना का प्यार है। छोटे बेतवा देवी और सज्जनों, मैं राज रिपोर्टर जनता के द्वार से, मीडिया के बाजार से, मिलते हैं छोटे से ब्रेक पर। कदम मैंने कहा था ना तुमसे तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, मैंने कहा था ना तुमसे तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। फिर आगे तुम लोग, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, बस कौन हो तुम लोग, तब से परेशान कर रखा मुझे। मैं जिसे अंग्रेजी में जॉब और हिंदी में रोजगार कहते हैं, और मैं महंगाई जिसे हिंदी इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, जिससे सारा देश परेशान है। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं तुमसे छुटकारा पा जाऊं और तुम्हें भी पालूं? वो सब मैं हम नहीं जानते, बस जो बात कही है उस पे गौर करो। कैसे दूर होगी ये महंगाई, कैसे दूर होगी हम बेरोजगारों की परेशानियां, कौन दूर करेगा, कौन समझेगा हमें? क्या आप लोगों में से किसी के पास इसकी परेशानी का रास्ता है, इसका हल है? नहीं, ये बेरोजगारी, ये महंगाई इसकी नहीं, पूरे देश की समस्या है, हर किसी की समस्या है, यहाँ बैठे हर आदमी की समस्या है। कोई करोड़ों खर्च करके गेम्स करवाता है और कोई करोड़ों खर्च करके अपनी मूर्तियां बनवाता है। ये वही देश है जहां पर आतंकवादी को, ये वही देश है जहां पर आतंकवादियों को बिठा के प्यार से खिलाया जाता है और गरीबों को महीने की तरह से मारा जाता है। देश की 42% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, लेकिन ये नेता और ये भ्रष्ट अफसर लाखों टन गेहूं और चावल खुले में सड़ा रहे हैं, उन गरीबों को किसी को ध्यान नहीं है। हम जैसे बेरोजगार सैकड़ों लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, कौन सुनेगा हमारी परेशानी, कौन समझेगा हमारी समस्या, इस देश की समस्या, इन गरीबों की समस्या? तो लोकतंत्र में हमारे हाथ में ताकत होती है, हमारे हाथ में पावर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूर, सबसे ज्यादा लाचार हम लोग ही हैं। हमारे एक वोट की कीमत आप देख रहे हैं हम किस तरह चुका रहे हैं। यह लोकतंत्र है क्या, इसीलिए हम सरकारें चुनते? तो बताइए किसके पास है इस परेशानी का हल, कौन सुनेगा हमारी आवाज, कौन? नेता को लोटो से गाड़ी को घर भरने की फुर्सत नहीं, रोज नए घोटाले होते हैं इस देश में। मीडिया खुद पर सो चुका है, मीरा राडिया और वीर सांगवी से लोग इस मीडिया में है, कौन हमारी आवाज उठाएगा इस लोकतंत्र में, जिसे हम कहते हैं चौथा स्तंभ, वो खुद भ्रष्ट हो तो फिर हमारी आवाज कौन उठाएगा, कौन उठाएगा?